मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड गरोठ संभाग द्वारा सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन जनपद पंचायत सभा कक्ष गरोठ में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री अर्जुन जोशी एवं सहायक यंत्री अनिल पाटीदार ने लाइनमैन, सहायक लाइनमैन, हेल्पर, संविदा हेल्पर एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी को सुरक्षा दायरा बनाए रखने की समझाइश देते हुए कहा कि डिस्चार्ज रोड का उपयोग किए बिना कार्य ना करें, इससे करंट का पता लगेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। विद्युत घटना पर प्राथमिक इलाज, कृत्रिम श्वास आदि 43 प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत रूप से लाइन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा हिदायत की जानकारी दी। सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण में उपस्थित सभी कर्मचारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से सहायक प्रबंधक मंसूर पृथ्वीराज माथुर द्वारा समझाया गया। भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट। आदमी का रहता है अगर मेन अगर इंजर्ड होता है तो उसके लिए जो 4 लाख का जो प्रावधान है, पर उसकी जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव यहाँ से भिजवा देते हैं, ऊपर से अनुमोदन होने के बाद ही फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ इनको देना है। ऐसे पशु में भी यही रहता है, पशु में भी अगर वो इंजर्ड होता है नियमानुसार, अगर एवी की उसमें फॉल्ट वगैरह रहती है तो उसको राशि दे दी जाती है। अगर एमबीबी की तरफ से नहीं मिलता है तो रजिस्ट्रेशन उसको प्रोवाइड करा देते हैं। ओके सर, क्या शुभ नाम आप? अनिल पाटिल। कौन से बत्ती सर? जी वैसे भानपुरा जो टाउन है ना, वो अगर टिकट काटती है तो गई तो वो इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ कमरा वाला ही इफेक्ट होता है और उसको बहुत जल्दी रिस्टोर कर लिया जाता है। तो सांप के मार्गदर्शन में हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि हमारा जो सप्लाई सिस्टम है, जो नेटवर्क सिस्टम है, वो सुदृढ़ हो, उसमें ट्रिपिंग कम से कम आए और हमारा जो है नेटवर्क जो है उस तरह का हो कि हम लोड को किसी भी प्रॉपर वोल्टेज की मिले सभी लोगों को, चाहे वो कृषि के उपभोक्ता हो, सरकारी उपभोक्ता हो हमारे, या हमारे DI के उपभोक्ता हो घरेलू वाले, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया कि किस तरह से हम ऐसा नेटवर्क तैयार करें जिसमें वोल्टेज की समस्या किसी को नहीं आए। उसमें हमने कैपेसिटर बैंकों को कैसे इंस्टॉल करना है, पावर ट्रांसफॉर्मर को, सप्लाई को, फीजरों को किस तरह से मैनेज करना, उस सबका साहब के साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। और हमने जो सिस्टम है अपना, जो गरोठ में इसमें हमारा जो सब स्टेशन का सिस्टम है, उसको हमने बहुत उच्च स्तरीय जो भारतीय मानक, जो तकनीकी मानक है, उनके अनुसार बनाने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें हमारे जी साहब का बड़ा सहयोग रहा है मटेरियल दिलवाने में। हमारे अभी आप हमारे सब स्टेशन से देखोगे, लाइट को देखोगे, तो पहले की अपेक्षाएं उनमें काफ़ी सुधार हुआ है, हर स्तर पर सुधार हुआ है। आप अगर हमारे उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लेते हो तो आपको पता चलता होगा उनको किसी भी तरह की समस्या का तुरंत निराकरण होना, उनका जो भी समस्या है बिल से संबंधित हो, उनकी सप्लाई संबंधित हो, वोल्टेज संबंधित हो, तो तकनीकी स्तर पर या रेवेन्यू के स्तर पर जो भी संभव होता है हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और उसका जल्द से जल्द निराकरण करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। सर, पिछले बजट में कहीं ना कहीं कृषकों के अगर कोई जानवर की क्षति होती थी तो उसमें कहीं ना कहीं उनको जो रेवेन्यू मिलना था, उनको जो कुछ पेमेंट मिलना था, वो पेमेंट नहीं मिलता था। इस बार जो उसका पेमेंट बढ़ा है अपन जिसको कह सकते हैं कि किसानों को राहत राशि मिली है, आई है। अब दुर्घटना के संबंध में, दुर्घटना के संबंध में एक्सीडेंट है, ये शिविर लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए तथा जनता की रक्षा के लिए रखा गया है। दुर्घटना से बचाव के लिए इनको सभी सुरक्षा नियम के बारे में जानकारी दी जा रही है। उसमें मुख्यतः क्या है? मुख्यतः उसमें यह है कि जहाँ पर भी ये कार्य करें तो अपना सुरक्षा कवच बना लें, कहीं से करंट आने की संभावना नहीं रहे, वो संयोजित मतलब अर्थिंग करें के काम करें, दोनों तरफ से सुरक्षा चक्र बनाने के बाद में अर्थिंग करके काम करें। इनके जो टूल्स वगैरह है, उपकरण वगैरह है, उनकी देख रेख वगैरह अच्छे से करनी है, कहाँ का उपयोग करना है, अपने सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके काम करें, संभावना खत्म हो जाए। तो परिवर्तन आया सर MBB में, अभी पहले की बजाय भी परिवर्तन, उसके बारे में? पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तन आया है और सिस्टम भी मजबूत हुआ है पहले से। हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है जी, बहुत एक्टिव हो गया है, जो रिले वगैरह है वो ऑपरेट हो जाती है, अगर कोई करंट लीकेज या एक्सीडेंट की संभावना वगैरह रहती है तो रिले ऑपरेट हो जाती है। सर, रिले ऑपरेट होने पर कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी आपका सिक्योर हुआ है उस पर? नहीं, अगर रिले ऑपरेट नहीं रहती तो वो बड़ा फॉल्ट हो जाता और ज़्यादा देर के लिए बिजली बंद रहती तो बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए उससे रेवेन्यू तो हमारा बचा है।
सर ऐसा एक और देखने में मिला है कहीं ना कहीं टूल्स की कमी भी विभाग में देखने को मिलती है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कर रहे हैं सब कार्य, प्रगति पे चल रहे हैं। सर किसानों को अधिकतर लाइट जो है रात में दी जाती है, तो वही कहीं ना कहीं किसानों को भी जान को खतरा रहता है, तो इस सिस्टम को बदल के दिन में क्यों नहीं किया जाता? जब किसानों को 10-10 घंटे बिजली दी जा रही है, उसमें 4 घंटे रात के रहता है शेड्यूल और 6 घंटे दिन का रहता है। तो सर वो जो 4 घंटे रात को दे रहा है वो किसान को अगर दिन में मिले तो कहीं ना कहीं उसको भी जान की सुरक्षा का रहता है, इस विषय में क्या कहेंगे? ये तो शासन की नीति के हिसाब से बनता प्रोग्राम पूरा वहीं से, है ना, 10 घंटे देने का है 10 घंटे के, वो सिस्टम की लोड नहीं पाएगा ना। सर अभी आगामी कोई ऐसी योजना जो इस क्षेत्र में विद्युत को लेकर बड़ा ग्रिड या पेड़ पर पैर अभी केशोदा क्षेत्र में अभी ग्रिड का उद्घाटन किया है जिससे बहुत मानपुरा पहले बहुत